नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में, जिसे यूरोलिथियासिस भी कहते हैं और रीनल कैल्क्यूलाई भी कहते हैं। दोस्तों, 12-15% ऑफ पीपल इन इंडिया आर अफेक्टेड फ्रॉम द किडनी स्टोन। एक्चुअली किडनी स्टोन होने का सबसे मेन रीजन होता है पानी की कमतरता। पानी कम पीने की वजह से ही किडनी स्टोन होता है। ये सबसे मेन और मुख्य रीजन किडनी स्टोन का होता है। अब एक्चुअली किडनी स्टोन मतलब कि क्या, तो किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाना मतलब कि किडनी स्टोन। अब ये स्टोन कैसे बनते हैं, तो दोस्तों बॉडी में सर्टन मिनरल्स और एसिड सॉल्ट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है उसमें स्टोन फॉर्मेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो स्टोन किडनी के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं। स्टार्टिंग में ये स्टोन्स छोटे छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो जैसे जैसे पानी कम जाता है, यूरिन से वो वॉश आउट नहीं होते हैं, ऐसे वक्त वो स्टोन धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये ही होता है किडनी स्टोन। एक्चुअली ये स्टोन किस मिनरल के वजह से होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉस्फेट सिस्टाइन एंड जेंथाइन, ये सब मिनरल्स की वजह से ये किडनी स्टोन बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन इन इंडिया आर मोस्ट कॉमन स्टोन ऑफ किडनी। दोस्तों आप देखते हैं कि किडनी स्टोन किस लोगों में किन्हें ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों सबसे मेन रीजन जो मैंने पहले ही बताया कि किडनी स्टोन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ड्रिंकिंग वाटर। अगर पानी कम जा रहा है पेट में, किसी किसी पर्सन को पानी कम पीने की आदत होती है, उनमें किडनी स्टोन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि दिन भरे में कम से कम 8-10 ग्लासेस भी जो पानी नहीं पी रहा है उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों उसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो भी किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। अगर डाइट में फॉस्फेट कंटेंट वाले फूड अगर ज्यादा लेने में आते हैं तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों हाई फॉस्फेट कंटेंट वाले डाइट कौन से होते हैं, तो जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, देन बीन्स हो गया एंड हाई प्रोटीन डाइट। इन सब चीजों में से भी हाई फॉस्फेट बॉडी में जाता है और वो किडनी की तरफ से अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता और उसके वजह से किडनी स्टोन बार बार बनने लग जाते हैं। दोस्तों उसी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी है। अगर पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, गाउट है, थायराइड की कंडीशंस है, हाइपोथायरॉयडिज्म लाइक, तो इन सब केसेस में भी किडनी स्टोन बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। दोस्तों ये तो हुआ कि किस किस पर्सन में किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि किडनी स्टोन बनता कैसे है। तो दोस्तों एक्चुअली हमारे बॉडी में दो किडनी होती है और दोनों किडनियां यहाँ पे लोकेटेड रहती है। अब होता क्या है कि दोनों किडनियों में से दो पाइप नीचे में निकलते हैं, मैं पिक्चर में शो कर रही हूँ जिस तरीके से, तो ये दोनों भी पाइप जो नीचे में निकलते हैं उसको यूरेटर कहते हैं, जिसमें से मतलब कि किडनी में यूरिन फिल्टर होती है और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं, जो वेस्ट मिनरल रहते हैं, वो यूरिन में डिपॉजिट होके वो हमारे यूरेटर में से ब्लैडर में स्टोर होते हैं। अब ये जो ब्लैडर होता है इसे एक थैली कहते हैं, जो यूरिनरी बैग होती है, इसके अंदर यूरिन डिपॉजिट होना और स्टोर होने का काम होता है। तो अब दोस्तों क्या होता है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब ब्लड में से जो वाटर रहता है उसके वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं, मतलब वेस्ट मिनरल जो रहते हैं, वो किडनी छानती है। मतलब किडनी एक प्रकार की हमारे बॉडी में छालनी का काम करती है और वो छालनी में से वेस्ट प्रोडक्ट पूरे फिल्टर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। तो किडनी का सबसे मेन रोल है हमारे बॉडी में कि ब्लड को फिल्टर करना। अब दोस्तों होता क्या है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी बराबर से छानती है और यूरिन थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, लेकिन ये किडनी स्टोन में कुछ मिनरल हमारे किडनी में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होने लग जाते हैं और उसी से किडनी स्टोन बनता है। तो दोस्तों ये हो गए प्रोसीजर की हाउ किडनी स्टोन डेवलप इन अवर किडनी। किडनी स्टोन में सिम्टम क्या क्या आते हैं, तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा शार्प और सिवियर इंटेंसिटी का एब्डोमिनल पेन होगा। जिस साइड में स्टोन का लोकेशन है उस साइड में ज्यादातर पेन रहेगा और कभी कभी वो पेन रेडिएटिंग भी रह सकता है। तो पेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है किडनी स्टोन का। उसके साथ में पेशेंट को नौशिया और वोमिटिंग, मतलब जी मछलाहट होके उल्टी हो जाना, ये सब चीजें भी होंगी। वीकनेस, बहुत टायर्ड हो जाएगा पेशेंट और कोई कोई पेशेंट में फीवर विद चिल भी दिखेगा, मतलब ठंडी लग के पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। साथ ही साथ यूरिन में ब्लड आना ये भी बहुत कॉमन है और यूरिन का एकदम फाउल स्मेल हो जाना ये भी बहुत कॉमन है। तो दोस्तों ये हुए सिम्टम्स किडनी स्टोन के। अब हम देखेंगे कि किडनी स्टोन को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे मेन तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी करके अल्ट्रासाउंड से यूएसजी एब्डोमेन करके किडनी स्टोन का लोकेशन, उसका डायरेक्शन, उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सरे में भी किडनी स्टोन डिटेक्ट हो जाता है, ब्लड के कुछ पैरामीटर्स में चेंजेस हो जाते हैं, तो ब्लड में से भी हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि किडनी स्टोन है कि नहीं। साथ ही साथ यूरिन टेस्ट, ये भी किडनी स्टोन में करके हम पता कर सकते हैं कि किडनी स्टोन है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब चीजें हो गई कि हम किडनी स्टोन को कैसे पता करें। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किडनी स्टोन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।